दोस्तों विमल बोलो जुबां केसरी, अब बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ज्यादा दिनों तक ये लाइन बोलते टीवी पर नहीं नजर आएंगे। दरअसल गुटखा कंपनी विमल का इस्तेमाल करने को लेकर क्रिटिसिज्म से घिरे एक्टर अक्षय कुमार ने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं इस गुटखा कंपनी से। इन्होंने अपने फैन से माफी मांगते हुए कहा है कि वे उनकी फीलिंग्स और भावनाओं की कदर करते हुए अब कभी भी गुटखा कंपनीज को प्रमोट नहीं करेंगे। आइए आपको कंप्लीट स्टोरी बताते हैं अक्षय कुमार की इस गुटखा कंट्रोवर्सी से रिलेटेड। अक्षय कुमार ने 20 अप्रैल देर रात को एक ट्वीट किया था जिसमें इन्होंने लिखा, मैं अपने सभी फैंस से माफी मांगता हूं, पिछले कुछ दिनों के दौरान आए आपके रिएक्शन ने मुझे अंदर से झंझोड़ कर रख दिया है। मैंने तंबाकू को कभी भी इंडोर्स नहीं किया है और ना ही आगे कभी करूंगा। विमल इलायची के साथ मेरे जुड़ने को लेकर आपकी जो फीलिंग्स हैं उनको मैं अप्रिशिएट करता हूँ, इसीलिए तहे दिल से मैं अपने कदम इस एडवर्टीजमेंट से वापस खींचता हूँ। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने ये भी कहा है कि वे अभी कुछ दिनों तक विमल इलायची के एड में नजर आएंगे। इसकी वजह बताते हुए उन्होंने आगे लिखा, मैंने फैसला किया है कि इस एड से मुझे जो पैसे मिलेंगे वो मैं डोनेट कर दूंगा और एक अच्छे काम में लगाऊंगा। हालांकि विमल कंपनी तब तक अपने एड में मुझे टीवी पर दिखाती रहेगी जब तक कि मेरे कॉन्ट्रैक्ट का लीगल टाइम पूरा नहीं हो जाता, लेकिन मैं आप सबसे वादा करता हूं कि मैं फ्यूचर में सोच समझ कर ही अपने लिए एडवर्टीजमेंट साइन करूंगा। इसके बदले में आप सभी से आपका प्यार और शुभकामनाएं चाहता हूं। दोस्तों आपको बता दें कि विमल एलआईजी के एक हालिया एडवर्टीजमेंट में शाहरुख खान और अजय देवगन के साथ अक्षय कुमार भी नजर आए थे। इसमें ये तीनों विमल ब्रांड को सलामी देते हुए इलायची खाते नजर आ रहे हैं। ये सब देख अक्षय कुमार के फैंस बेहद नाराज हो गए। फैंस ने तंबाकू से जुड़े एक ब्रांड को प्रमोट करने को लेकर ट्विटर पर अक्षय कुमार को लेकर जमकर ट्रोल भी किया। सिनेमा हॉल में अक्सर फिल्म शुरू होने से पहले एक एडवर्टाइजमेंट में अक्षय कुमार नजर आते हैं। इसमें वे एक व्यक्ति को सिगरेट के नुकसान बताते हुए उसे छोड़ने की सलाह देते दिखते हैं। ऐसे ही अक्षय कुमार के कई और वीडियोस भी हैं जिनमें वे शराब और सिगरेट जैसे हेल्थ को नुकसान पहुंचाने वाले प्रोडक्ट से दूर रहने की बात करते हैं। अक्षय कुमार के फैंस ने उनके इन पुराने वीडियोस को शेयर कर उनको खूब ट्रोल किया। कई लोगों ने तो अक्षय कुमार से माफी की मांग करते हुए उनसे पद्मश्री अवार्ड वापस लेने की बात कह दी। बहरहाल अब खिलाड़ी कुमार ने फैंस के रिएक्शन को सीरियसली लेते हुए विमल कंपनी से नाता तोड़ लिया है। दोस्तों इस बात पर आपका क्या रिएक्शन है हमें नीचे कमेंट करके बताएं।